हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग. न्यू ईयर्स ईव आज है, ठीक है? कैसी चल रही है आपकी प्रिपरेशन? फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग ये बताइए, और इससे पहले बताइए कि आप लोग कैसे हो. हाउ आर यू फीलिंग दैट द न्यू दैट दिस पर्टिकुलर ईयर इज गोइंग? वॉट एवर वी फेस इन दिस पर्टिकुलर ईयर, इट इज ऑल वी आर ऑल लीविंग दैट पर्टिकुलर थिंग बिहाइंड नाउ. वी हैव गॉन थ्रू सो मच इन दिस पर्टिकुलर ईयर कि हम लोग ने क्या कुछ नहीं देखा, क्या कुछ नहीं झेला. ऐसी कभी चीज़ें हम लोग के कभी सामने नहीं आई. वी हैव फेस्ड सच थिंग्स इन दिस पर्टिकुलर ईयर, ठीक है? तो कैसा रहा आपका इस साल का पूरा एक्सपीरियंस? एंड हाउ वुड यू से, हाउ वुड यू यूज वन वर्ड यू नो इन एक्सप्रेसिंग योर सेल्फ कि ये ईयर आपका कैसा रहा, ठीक है? और कैसे हैं आप लोग? हाउ आर यू गाइज? व्हाट आर योर प्लान्स फॉर टुडे, टुनाइट्स न्यू ईयर्स ईव? कौन कहाँ जा रहा है, कौन कहाँ पार्टी कर रहा है, कौन पढ़ रहा है, ठीक है? कौन, मुझे प्लीज लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन, ओके? एंड उससे पहले लेट्स जस्ट शेयर दिस सेशन विद आर फ्रेंड्स ऑल्सो. प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज शेयर दिस सेशन विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो, दैट दे कैन ऑल्सो जॉइन अस फॉर द फ्री यूट्यूब सेशन वी आर गोइंग टू हैव राइट नाउ, ओके? सो वेलकम वन एंड ऑल ऑन अन अकेडमी. लेट्स स्टार्ट डिफेंस एग्जामिनेशन. लेट्स एंड दिस पर्टिकुलर ईयर ऑन अ ग्रेट नोट, ठीक है? विद अ ग्रेट डील, विद लॉट्स ऑफ हैप्पीनेस एंड ऑल द पॉजिटिव थॉट्स. ऑल राइट, a brief introduction about myself. Hello everyone, I'm Gargi Mitra. I have been in this particular field for more than 3 years now. I have done my graduation in economics and currently I'm pursuing masters in business economics. You can use the code Gargi, GARGEE, to get 10% discounts on your Unacademy Plus subscriptions, ठीक है? इस कोड को यूज करने से आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा Unacademy Plus के सब्सक्रिप्शन पे. ऑल्सो जब आप Unacademy पे लॉग इन करते हो पहली बार, तो आपको कोई भी स्पेशल क्लास देखने के लिए, स्पेशल क्लास हमारी फ्री होती है, ठीक है? कोई भी स्पेशल क्लास देखने के लिए आपको एक कोड डालना पड़ता है उसको अनलॉक करने के लिए. वो कोड आपका गार्गी ही है, ठीक है? यू कैन यूज़ द कोड मल्टीपल टाइम्स, मतलब एक बार आपने स्पेशल क्लास को अनलॉक करने में डाल दिया और 10% ऑफ भी ले लिया आपने अन अकेडमी प्लस के सब्सक्रिप्शन पे, ठीक है? तो आपके एग्जामिनेशन आ रहे हैं. आई वुड रिकमेंड यू ऑल टू प्लीज़ गो थ्रू दी सब्सक्रिप्शन प्लान एंड आप लोग प्लीज़ एक सब्सक्रिप्शन लीजिए बिकॉज पेपर्स आर वेरी अनप्रिडिक्टेबल, ठीक है? कौन आपको, आई वुड रिकमेंड टू टेक अ प्लान बिकॉज आपको एक थरो प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी मिल जाएगी टॉपर्स के थ्रू, ठीक है? आपको NDA, एयरफोर्स, SNY, नेवी या फिर कोई भी कोर्स के लिए आपको लेनी है तो आपको एक सब्सक्रिप्शन मिल सकता है और सारे सब्सक्रिप्शन पे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा ये कोड अप्लाई करने से, गार्गी, GARGEE, ओके? और आपको ये कोड कहाँ अप्लाई करना होता है? इस छोटे से डब्बे में, इस डब्बे पे आप अप्लाई करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका जो है 10% डिस्काउंट लग जाएगा, ठीक है? एज वी डिस्कस वी विल बी कंटिन्यूइंग विद आर LTMT सीरीज ऑफ डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच. NDA, एयरफोर्स, SNY, नेवी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये चीज़, ठीक है? या फिर कोई भी इंग्लिश ऐसा एग्जाम जिसमें इंग्लिश कंपल्सरी सब्जेक्ट आता है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है. चलिए अब इंट्रोडक्शन अबाउट Unacademy. Unacademy हैज इंडिया टॉप एजुकेटर्स हु आर देयर टू गाइड यू थ्रू आउट योर लर्निंग प्रोसेस. एग्जामिनेशन आ रहे हैं, उनसे बेहतर आपको कोई गाइड करने वाला नहीं मिलेगा जो ये खुद एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर चुके हैं बहुत अच्छे मार्क्स के साथ, ठीक है? यहाँ पे स्पेशल क्लासेस होती हैं जो कि टोटली फ्री होती हैं. इनको फ्री में देखने के लिए कोड अप्लाई करना पड़ता है जो कि कोड है आपका गार्गी. कोई भी स्पेशल क्लास आपको देखना है तो आप इस कोड को अप्लाई कर सकते हो, आपको वो प्लस स्पेशल क्लास फ्री में दिख जाएगी, ठीक है? आपकी मैथमेटिक्स, करंट अफेयर्स, पॉलिटी, ऐसे कई सारे सब्जेक्ट्स पे स्पेशल क्लासेस होती हैं. ऑल्सो आपकी यहाँ पे टेस्ट सीरीज होती हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है, आपको बताती है कि क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ सकते हैं और बहुत सारे पेपर्स में से आए भी हैं. आई माई सेल्फ आई हैव प्रिपेयर फॉर मेनी एग्जामिनेशन थ्रू Unacademy और बहुत सक्सेसफुल रहा है मेरा Unacademy का पूरा जर्नी, ठीक है? तो टेस्ट सीरीज बहुत ही बेनिफिशियल होती हैं. काफ़ी सारे प्रॉबेबल क्वेश्चंस जो पेपर में आते हैं वो टेस्ट सीरीज में ऑलरेडी हम लोग कवर अप कर चुके तो होते हैं, तो प्रॉब्लम नहीं होती है टेस्ट सीरीज सॉरी एनुअल डे पे हम लोग को एग्जाम देने में, क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी टेस्ट सीरीज में कवर अप कर चुके होते हैं. पूरा आपको कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस दिया जाता है, पूरा कोर्स दिया जाता है आपको ताकि आपकी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे से हो, ठीक है? फ्लेक्सिबल स्केड्यूल रहता है, स्केड्यूल आपके हिसाब से होता है, लैंग्वेज आपकी चॉइस की होती है, जितना चाहे उतना प्रैक्टिस करें क्योंकि द मोर यू प्रैक्टिस द मोर परफेक्ट यू बिकम. एंड यू कैन चैट विद द एजुकेटर, अपनी क्वेरीज कोई भी दिक्कत हो आपको आप उससे 1-to-1 बातचीत कर सकते हैं एजुकेटर ऐप पे, ठीक है? आप इंटरेक्टिव पोल्स होते हैं जो कि और इंटरेस्टिंग कर देते हैं क्वेश्चन आंसर्स के सेशंस को, क्लासेस को, ठीक है? नो मैटर वेयर यू आर यू कैन एक्सेस द Unacademy प्लस ऑन योर स्मार्टफोन एंड योर लैपटॉप. ऑलराइट, तो प्लीज़ इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, ये आपका ऐप स्टोर प्लस एंड्रॉयड दोनों पे अवेलेबल रहता है. एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पहली 2-3 लाइनों में ही मेरी प्रोफाइल का लिंक दिख जाएगा, तो प्लीज़ जाके मुझे फॉलो कर लीजिएगा
ताकि जब भी मैं क्लास लूँ आपको 10-15 मिनट पहले एक नोटिफिकेशन आ जाएगी। मैं आपको इसलिए बोल रही हूँ फॉलो करने को ताकि 10-15 मिनट पहले आपके पास एक नोटिफिकेशन आ जाए और आपकी क्लास मिस ना हो। होता क्या है कि हम लोग बैठ भी जाते हैं और टाइम निकल जाता है, पता ही नहीं चलता कब टाइम निकल। ठीक है, चलिए विदाउट मच अडू लेट्स डायरेक्टली जंप इनटू द वीडियो। ठीक है, डायरेक्टली हम लोग क्वेश्चन आंसर पे आते हैं अपने। आपके सामने स्टेटमेंट होगा, या तो डायरेक्ट में होगा या तो इनडायरेक्ट में होगा। जिस भी फॉर्म में हो उसको आपको ऑपोजिट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर ये स्टेटमेंट डायरेक्ट फॉर्म में है तो आपको इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है और मुझे सही आंसर बताना है कॉमेंट सेक्शन में। ऑल राइट, सो फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टू नाइट इज द बॉस सेड इट्स टाइम वी बिगैन प्लानिंग आर वर्क। द बॉस सेड इट्स टाइम वी बिगैन प्लानिंग आर वर्क। इसको अगर आपको कन्वर्ट करना होगा इनडायरेक्ट स्टेटमेंट में तो कैसे इट कन्वर्ट करेंगे? हाउ विल यू कन्वर्ट दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट इन टू एन इनडायरेक्ट स्टेटमेंट? प्लीज लेट मी नो इन दी कॉमेंट सेक्शन। सही आंसर क्या होगा इसका? ए होगा, द बॉस सेड दैट इट वॉज टाइम दे हैड बिगन प्लानिंग देयर वर्क। द बॉस सेड दैट इट वॉज, ठीक है, इट्स का क्या कन्वर्ट हो जाएगा? इट वॉज में कन्वर्ट हो जाएगा। इट वॉज टाइम दे, वी विल बी कन्वर्टेड टू दे, बिगन विल बी कन्वर्टेड टू हैड बिगन। प्लानिंग का आईएनजी सेम रहेगा और आर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? देयर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, The boss said that it was time they had begun planning their work. So option A is the correct answer. ठीक है, देखिए इसमें began use हो रहा है तो ये नहीं होगा, सारी चीजें सेम है, बस इसमें क्या किया गलती करी है, began वैसे का वैसा ही यूज कर लिया है। ठीक है, यहाँ पे क्या गलती हुई है, वी का यूज कर लिया, यहाँ पे दे का यूज होना था, यहाँ पे इसने वी का यूज कर लिया, यहाँ पे देयर का यूज होना था। ठीक है, ऐसे ये भी गलत है आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, जो कि बोलता है गोपन सेड टू मी कैन यू डू दी सम्स फॉर मी। गोपन सेड टू मी कॉमा इनवर्ट कॉमास ओपन कैन यू डू दी सम्स फॉर मी। तो कन्वर्ट करना है अगेन इनडायरेक्ट स्पीच में। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा आपके हिसाब से। व्हाट अकॉर्डिंग टू यू विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन? गोपन सेड टू मी कैन यू डू दी सम्स फॉर मी। देखिए मैं अंडरलाइन कर रही हूँ जो जो चीजें आपको चेंज करनी है। क्वेश्चन मार्क के ध्यान रखिएगा, इसमें क्वेश्चन मार्क यूज हुआ है, कैसे हम लोगों ने ट्रिक लगाई थी, कौन से हम लोग के रूल्स होते हैं जब क्वेश्चन मार्क्स को हम लोग कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, राइट आंसर इज राइट, ए इज द करेक्ट आंसर। वेरी नाइस, ए इज द करेक्ट आंसर। गोपन आस्क्ड मी, क्वेश्चन मार्क आप हटाएंगे तो क्या ले आएंगे, आस्क ले आएंगे। गोपन ने मुझसे पूछा वेदर आई कुड डू दो सम्स फॉर हिम। गोपन ने मुझसे पूछा ना कि मैं वो सम्स कर सकता हूँ कि नहीं। गोपन आस्क्ड मी वेदर आई कुड डू दो सम्स फॉर हिम। ओके, चलिए मूविंग अहेड टू नेक्स्ट क्वेश्चन विच सेज आई वॉन्डर्ड हाउ मेनी डिस्कवरीज वेंट अनहीडेड। I wondered how many discoveries went unheeded. इसको कन्वर्ट करना है डायरेक्ट स्टेटमेंट में।
इसको आपको डायरेक्ट स्टेटमेंट में कन्वर्ट करना है। मुझे सही आंसर बताइए कि इसको अगर आप डायरेक्ट में कन्वर्ट करोगे तो कैसे लिखोगे? ओके, द राइट आंसर इज बी। आई सेड कॉमा, इनवर्ट कॉमास ओपन, हाउ मेनी डिस्कवरीज गो अनहीडेड। देखिए डिस्कवरीज है तो डिस्कवरी ही रहेगा, ठीक है। हाउ मेनी डिस्कवरीज, और यहाँ पे वेंट है, वेंट ऑलवेज गेट्स कन्वर्टेड टू गो। जब हम लोग डायरेक्ट स्टेटमेंट में गो लिखते हैं तो हम लोग इसमें कन्वर्ट करते थे, इसको वेंट में कन्वर्ट करते थे ना, तो हम लोग क्या लिखेंगे? आई सेड हाउ मेनी डिस्कवरीज गो अनहीडेड। वेंट नहीं आएगा यहाँ पे, हैव गॉन नहीं आएगा, यहाँ पे क्या है? आई सेड डू डिस्कवरीज गो अनहीडेड। यहाँ पे मैं वंडर कर रही हूँ, मतलब मुझे पता है, ठीक है। यहाँ पे मैं पूछ रही हूँ, ये गलत है, ठीक है। चलिए मूविंग अहेड, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आई सेड टू माई ब्रदर कॉमा इनवर्ट कॉमास ओपन, लेट अस गो टू सम हिल स्टेशन फॉर अ चेंज। आई सेड टू माई ब्रदर लेट अस गो टू सम हिल स्टेशन फॉर अ चेंज। इसको अगर आपको इनडायरेक्ट में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे आप लोग? हाउ विल यू राइट डाउन दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट इन टू एन इनडायरेक्ट स्टेटमेंट? प्लीज डू इट फॉर मी एंड लेट मी नो द करेक्ट आंसर इन द कॉमेंट सेक्शन। The right answer will be B. I suggested, मैंने अपने भाई को suggest किया, I suggested my to my brother that we should go to some hill station for a change. ठीक है, हमने क्या किया? I suggested my to my brother that we should go. Let them go नहीं होगा, we should go to some hill station for a change. Okay? यहाँ पे अस को आप वी में कन्वर्ट कर दोगे ना, क्योंकि मैंने अपने भाई से बोला है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच सेज आई रीइटरेटेड आई डोंट केयर अबाउट द जॉब। आई रीइटरेटेड कॉमा इनवर्ट कॉमास ओपन आई डोंट केयर अबाउट द जॉब। इफ यू हैव टू कन्वर्ट दिस स्टेटमेंट इन टू एन इनडायरेक्ट स्टेटमेंट, हाउ विल यू कन्वर्ट दिस पर्टिकुलर थिंग? प्लीज लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन। ऑल राइट, चलिए, यू हैव बीन डूइंग सो गुड सो फार, यू हैव वर्क सो हार्ड दिस पर्टिकुलर ईयर एंड यू हैव, आई नो वट द चैलेंजेस वी हैव बीन फेसिंग दिस पर्टिकुलर ईयर। हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें फेस करी हैं, बहुत सारे ऐसे नए नए एक्सपीरियंसेस देखे हैं, नई नई चीज़ें देखी हैं जो हम लोगों ने कभी नहीं सोचा था कि लाइफ में हम लोग कभी देखेंगे। दिस पैंडेमिक हैज हिट अस इन अ डिफरेंट वे, वी ऑल हैव गॉन थ्रू समथिंग, वी ऑल हैव बेयर्ड समथिंग। कुछ चीज़ें अच्छी हुई, कुछ चीज़ें बुरी हुई, बट एट द एंड लाइफ गोज ऑन, राइट। तो उसी उत्साह के साथ, उसी जील के साथ, विद दैट हैप्पीनेस एंड विद दैट ऑप्टिमिज्म, वी हैव टू कैरी आर सेल्फ फॉरवर्ड द न्यू ईयर नाउ टू 2021। वी हैव टू वर्क इवन मोर हार्डर दैन वी डिड लास्ट ईयर। लास्ट ईयर से ज़्यादा भी हम लोग को काम करना है इस साल। इस साल सारे एग्जामिनेशन होंगे, इस साल हम लोग को ये ट्राई करना है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा नई चीज़ें सीखें, ठीक है। हारना ना हारना बात की बात है, सीखना हम लोग का मेन मोटिव होना चाहिए, ठीक है।
चलिए इसका सही आंसर बताइए. आई रीटरेटेड आई डोंट केयर अबाउट द जॉब. द राइट आंसर विल बी सी. आई रीटरेटेड दैट आई डिड नॉट केयर अबाउट द जॉब. आई रीटरेटेड दैट आई डिड नॉट केयर अबाउट द जॉब. ओके, डोंट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डिड नॉट में कन्वर्ट हो जाएगा. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है. ही सेड ही गोज फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग. He said he goes for a walk every morning. इसको अगर आपको convert करना होगा direct statement में, इसको आपको direct statement में convert करना, तो कैसे करेंगे? He said he goes for a walk every morning. Correct. The right answer is B. He said, comma inverted commas open. I go for a walk every morning. ठीक है. Goes किसमें convert हो जाएगा? Go में convert हो जाएगा. He said he goes for a walk. मतलब he said I go for a walk. वो अपने बारे में बात कर रहा है. ठीक है. चलिए. Moving ahead to next question. It says how long does the journey take? My co-passenger asked me. How long does the journey take? क्वेश्चन मार्क इनवर्ट कॉमर्स क्लोज माई को पैसेंजर आस्क्ड मी. इसको आपको कन्वर्ट करना है इनडायरेक्ट स्टेटमेंट में. प्लीज लेट मी नो द करेक्ट आंसर इन द कमेंट सेक्शन. हाउ लॉन्ग डज द जर्नी टेक माई को पैसेंजर आस्क्ड मी. The right answer will be none of these. कोई भी इसमें से सही आंसर नहीं है. सही आंसर क्या होगा? My co-passenger asked me how long the journey would take. Sorry, how long the journey took. My co-passenger asked me how long the journey took is the right answer. ओके चलिए मूविंग अहेड टू नेक्स्ट क्वेश्चन. आई सेड टू माय मदर आई विल सर्टेनली टेक यू टू बैंगलोर दिस वीक. आई सेड टू माय मदर कॉमा आई विल सर्टेनली टेक यू टू बैंगलोर दिस वीक. यू हैव टू कन्वर्ट दिस स्टेटमेंट इनटू एन इनडायरेक्ट स्टेटमेंट. प्लीज लेट मी नो द करेक्ट ऑप्शन इन द कमेंट सेक्शन. I said to my mother, I will certainly take you to Bangalore this week. The right answer is B. I told my mother that
आई वुड सर्टेनली, आई विल कैसे किस कन्वर्ट हो जाएगा, आई वुड सर्टेनली टेक हर टू बैंगलोर दैट वीक, दिस में किस में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, जो कि बोलता है आई वॉन्ट हर दैट आई कुड नो लॉन्गर टॉलरेट हर कमिंग लेट. आई वॉन्ट हर दैट आई कुड नो लॉन्गर टॉलरेट हर कमिंग लेट. इसको फिर से आपको कन्वर्ट किस में करना है, डायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है, ठीक है. प्लीज लेट मी नो द करेक्ट आंसर इन द कॉमेंट सेक्शन. आई वॉन्ट हर दैट आई कुड नो लॉन्गर टॉलरेट हर कमिंग लेट. सही आंसर क्या है इसका, बी है. बी इज द करेक्ट आंसर, राइट. आई सेड टू हर कॉमा इनवर्ट कॉमास ओपन, आई कैन नो लॉन्गर टॉलरेट योर कमिंग लेट. बहुत ही इजी था, ठीक है. फुड को आपको कैन में कन्वर्ट करना था, ठीक है. सिंस यहाँ पे ये वार्निंग दे रहा है तो यहाँ पे इंडेक्स में तुमने वॉन्ट लिख दिया, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, सेड लिखेंगे, क्योंकि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब ये है यहाँ पे. आई कैन नो लॉन्गर टॉलरेट योर, हर कहाँ में कन्वर्ट हो जाएगा, योर में कन्वर्ट हो जाएगा, कमिंग लेट. ऑल राइट, ईजी. चलिए कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच सेज द स्टूडेंट, द न्यू स्टूडेंट आज द ओल्ड वन, डू यू नो माई नेम. द न्यू स्टूडेंट आज द ओल्ड वन, डू यू नो माई नेम. इसको फिर से कन्वर्ट करना है हमें इनडायरेक्ट स्पीच में. काफ़ी ईजी है, वेरी ईजी. प्लीज लेट मी नो द करेक्ट आंसर इन द कॉमेंट सेक्शन. चलिए द राइट आंसर इज ए. द न्यू स्टूडेंट आस्क्ड द ओल्ड वन इफ ही न्यू हिज नेम. नो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, न्यू में कन्वर्ट हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क हट जाएगा, ठीक है. अब देखिए कुछ लोगों ने बी आंसर दिया है जो कि गलत है, क्योंकि यहाँ पे दैट का इस्तेमाल हो गया है. वी डू नॉट यूज अ कंजंक्शन वाइल कन्वर्टिंग अ क्वेश्चन मार्क इन टू इनडायरेक्ट स्पीच. जब भी हम लोग डायरेक्ट स्पीच में जो क्वेश्चन मार्क होता है उसको कन्वर्ट करते हैं हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच में, तो उसमें हम लोग कंजंक्शन नहीं लगाते. वी डू नॉट यूज द वर्ड दैट. दैट किस में यूज होता है, जो हम लोग दो वर्ड दो सेंटेंसेस को जोड़ रहे होते हैं, ठीक है. तो वो क्वेश्चन मार्क में नहीं होता है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. आई सेड टू माई फ्रेंड गुड मॉर्निंग लेट अस गो फॉर अ पिकनिक टूडे. आई सेड टू माई फ्रेंड गुड मॉर्निंग लेट अस गो फॉर अ पिकनिक टूडे. डायरेक्ट स्टेटमेंट है, इसको फिर से आपको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है. Please convert the particular statement into an indirect statement for me and let me know the correct answer in the comment section. I said to my friend, good morning, let us go for a picnic today. सबको पता है कि today किस में change हो जाता है? Today किस में change होता है? That day में. Tomorrow किस में change होता है? Next day में. और yesterday किस में change हो जाता है? Previous day में. ठीक है. चलिए सही आंसर क्या है इसका, बी है. यहाँ पे क्या बोल रहा है, आई विश्ड माय फ्रेंड गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग आपकी एक विश होती है ना, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग आपकी विशेस होती हैं, ठीक है. आई द पर्सन विश्ड हिज फ्रेंड, आई विश्ड माय फ्रेंड गुड मॉर्निंग एंड प्रपोज्ड दैट वी शुड गो फॉर अ पिकनिक दैट डे. ठीक है. I wished my friend good morning and proposed that we should go for a picnic that day. Today मतलब that day में convert हो जाएगा. Day नहीं होगा यहाँ पे. यहाँ पे क्या use होगा, we should go. हम लोग अपनी बात कर रहे हैं, किसी और की नहीं.
चलिए बहुत सही बात है, अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, जो कि बोलते हैं द स्पेक्टेटर सेड कॉमा इनवर्ट कॉमास ओपन ब्रावो वेल डन प्लेयर्स। द स्पेक्टेटर सेड ब्रावो एक्सक्लेमेशन मार्क वेल डन प्लेयर्स। इसको कन्वर्ट करना है आपको फिर से इनडायरेक्ट स्पीच में। अगेन यू हैव टू कन्वर्ट दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट इन टू एन इनडायरेक्ट स्पीच। प्लीज डू सो फॉर मी एंड लेट मी नो द करेक्ट आंसर इन द कॉमेंट सेक्शन। ओके सो द राइट आंसर विल बी सी, द स्पेक्टेटर्स अपलोडेड। पहले भी हमारे सामने एक क्वेश्चन आ चुका है जहां पे हमने वर्ड ब्रावो का यूज किया था, और ब्रावो को हम लोगों ने किसमें यूज किया था, कन्वर्ट किया था अपलोडेड में, कन्वर्ट किया था। ब्रावो मतलब आप एक्साइटेड होते हो ताली बजा के, अपलॉज मतलब ताली बजाना, ठीक है। द स्पेक्टेटर्स अपलोडेड द प्लेयर्स सेइंग दैट दे हैड डन वेल, ठीक है। द स्पेक्टेटर्स अपलोडेड द प्लेयर्स सेइंग दैट दे हैड डन वेल। ऑलराइट, राइट आंसर इज सी,